मैंने अपने जीवन काल में बहुत सारे केसेस देखे। मेरा नाम है काव्या एंड आई हैव थ्री ब्यूटीफुल लेडीज विद मी टुडे। आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया मूवी जो आ गई है एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे उसके बारे में बात करने वाले हैं। मैं तो लास्ट में बताऊंगी मेरे को कैसी लगी, बट लेट्स स्टार्ट विद सोना। सोना, हाउ डिड यू लाइक इट? यू नो, सबसे पहले दिस इज अ स्टोरी ऑफ मनोज बाजपेयी, नॉट रियल लाइफ स्टोरी। रियल लाइफ स्टोरी जो कि मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगी, सिर्फ एक बंदा काफी है। स्ट्रीमिंग ऑन Z5, आई हैव एब्सोल्युटली लव्ड इट। मनोज बाजपेयी ने जिस तरीके का यू नो इसमें कोर्ट रूम में जिस तरीके का ड्रामा क्रिएट किया, कोर्ट रूम में जिस तरीके से परफॉर्म किया, आई हैव एब्सोल्युटली लव्ड इट। दो चीजें इसमें से एक जो मुझे बहुत अच्छी लगी, एक जो मुझे एडिट की कमी लगी, बिकॉज हम लोग वॉइस आर्टिस्ट हैं, हमें बहुत ईजली समझ में आ जाता है कि कहाँ पर पैचन हुआ है, कहाँ पर ये जेन्युइन है। तो सबसे पहले जो मुझे थोड़ा सा टेक्निकली ग्लिच लगा, दैट वाज लाइक कि देयर वर वॉइस ओवर्स, देयर वाज लिटरली यू नो कुछ वर्ड्स के पैचेस थे जो इजीली सुनाई दे रहे थे, और मैंने उसको लूप पे सुना कि मैं तो कहीं गलत नहीं सुन रही हूँ, बिकॉज हम टेक्निकली भी बहुत सारी चीजें देखते हैं। सेकेंड, द बेस्ट थिंग दैट आई एब्सोल्युटली लव्ड इन दिस फिल्म, एक तो ये छोटी है, कॉम्पैक्ट है, मेरे को अच्छी लगी, मेरे को नहीं लगा कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर रही है। एंड मनोज बाजपेयी का जो एक कोर्ट रूम ड्रामा था ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि प्रीवियस बहुत सारे कोर्ट रूम ड्रामाज यू नो आए हैं, जैसे क्रिमिनल जस्टिस आया था जो रिसेंटली थोड़ा टाइम पहले ही आया था, उसका सीजन, नया सीजन, मुझे वो इतना इतना मजेदार नहीं लगा था। मुझे लगा था यार ये तो बहुत ही ज्यादा ओवररेटेड और बोरिंग है, बट जिस तरीके से यू नो मनोज बाजपेयी ने अपने पूरे स्टैट्स फैक्ट्स हर एक तरीके से क्लियर किया, ऐसा लग रहा था इट्स जस्ट सो इजी, आप बस फैक्ट्स रख दो एंड एवरीथिंग वुड बी सॉर्टेड। तो मेरे को यार ओवरऑल अच्छी लगी, अपार्ट फ्रॉम द टेक्निकल ग्लिच मेरे को अच्छी लगी, आई लाइक इट। आई थिंक एक बार इसको देखा जा सकता है बड़े आसानी से। नाउ मानसा, how did you feel about it? सिर्फ एक बंदा काफी है, आई थिंक कोई भी स्क्रिप्ट को अच्छा बनाने के लिए सिर्फ एक मनोज बाजपेयी काफी है। She sang a song कि how great मनोज बाजपेयी is, it's all him. आपके हाथ में एक रियल लाइफ स्टोरी है तो डिटेलिंग पे आप बहुत ध्यान दे सकते थे। एवरीथिंग वॉज ऊपर ऊपर, इमोशंस वर ऊपर ऊपर, डायलॉग्स वर ऊपर ऊपर, एंड लड़की का दर्द जो था, प्रॉब्लम्स जो फेस किया था वो ऊपर ऊपर, जो कोर्ट रूम में लड़कियों से कैसे सवाल किए जाते, ऑल ऑफ दैट वी've सीन, यू नो, जैसे एक लॉयर के पीछे लग जाते लोग, एंड इज अ मिडिल क्लास ऑर्डिनरी मैन, इज नॉट अ बिग लॉयर, इज अप अगेंस्ट द सिस्टम, अप अगेंस्ट मनी, सो ये सब ऊपर ऊपर था। आई वॉन्टेड मोर डिटेलिंग, आई वॉन्टेड अ स्ट्रॉन्गर स्टोरी एंड स्क्रिप्ट, एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड स्ट्रॉन्गर एडिटिंग लाइक शी सेड। सो इट इज अ वन टाइम वॉच फॉर मी, एक बार आप देख सकते हो मनोज बाजपेयी के लिए, अगर आप मनोज बाजपेयी के फैन हो आप देख सकते हो। इफ यू आर लाइक अ मूवी एफिशिएनाडो देन आप भी हमारे तरह खामियां नहीं खाते। सो माय क्या एक्टिंग करता है यार बंदा, एंड ही इज नॉट ग्रोइंग ओल्ड गाइस, ही इज लाइक, ओह आई नो, टेल मी अबाउट इट। Yeah, now Kavya, Sheetal, who wants to go next? Sheetal. Yeah. Hi, this is Ajay Sheetal from Bangalore. I completely agree with whatever Sona and Manasa have told. But I want to tell something very important, jo mujhe laga ki jo starting mein scene hai na, jo ladki wo aise apka unka face cover karti, she's there, and towards the end when she removes it and it shows freedom, right? The way they've shown it, I really like that. You know, I really appreciate the way they've shown it. That's one thing. Nice. Another point is that last ka jo scene hai na, courtroom drama jo hai, usme Manoj Bajpayee takes references from Ramayan, right? Basically, he talks about Shivji, Parvati ji, and pura thing, right? And he talks about the atrocity where, you know, Ravan had to disguise himself in order to kidnap Sita ji, right? So it's, I think the contrasting thing that they've told here is really nice, ki aap kitna bhi achhe kaam kar lo, one bad thing and aapka, it's not just you but the entire community gets a bad name, right? Now we know that since it's a real life story, it's a biopic of Asaram Bapu, and people considered him to be a godly figure, right? And aise ek banda jab aisa kuch crime karta hai, I think not just him but pure jo society mein jo changes aate hain, and the way we look at godly figures right now, it just changes, right? And no amount of say evidences or anything can make you
not agree that yes, you've done the crime, right? I agree with the point that I told that thoda depth mein dikhana chahiye tha, especially the emotions and feelings that the girl went through. It's also about her story, right? Ki how she met this person and then things happened and all of that. And the courtroom drama again, when they are asking her questions, ki did he kiss you? Did he touch you? And things like that. Wo thoda detail mein dikhaya hota, then that connection thoda aur badh jata. I completely understand what the girl has gone through, but again, upar upar se dikhaya hai, right? So these are the two points. And another point is that they also talk about POSCOs, right? Basically, protection of children from sexual offenses. 2012. Now, people who don't even know about this, at least ye movie dekhi, unko pata chal gaya hoga ki there's something like this. So, if I talk about the whole film, so I just watched it yesterday night, and jis pe Sheetal end kiya, of course, cherry on the cake is Manoj Bajpayee. For me, the whole cake is him. At the same time, this story to everybody who's watching us right now, all the four of us, main ye bhi logo ko kehna chahungi that the story is about PC Solanki, the character that has been played by Manoj Bajpayee. And let me tell you this, I have lawyers in my family, so I have read the whole case and I read it beforehand. So the whole story is about PC Solanki and the other lawyers, jin logon ne Bapu ke side se case padha tha and everything, the people who fought the cases. At the same time, what I feel is that ye jo pura cheez hai, this was on the perspective of the lawyer's side. ये लड़की की बात भी नहीं थी, बापू की बात भी नहीं थी, ये politics की बात भी नहीं थी, but it was a lawyer's perspective on a case which is such a politically influenced. सारे बहुत बड़े-बड़े लोग इसमें involved हैं. There have been a lot of things जो इसमें दिखाई गई है कि ये danger में है, वो danger में है. Manoj Bajpayee, of course, to watch him on like the screen is of course a treat. At the same time, I feel the facts have been gotten right somewhere. जिस हिसाब से वो लास्ट में जो बुक दिखाते हैं वहां पे पब्लिकेशन का नाम छुपाया गया है, द डिटेलिंग इज क्वाइट नाइस. बट यस, आई अग्री कि इमोशंस, हम लोग एज व्यूअर्स, हम हर जगह पे वी आर ट्राइंग टू सर्च फॉर इमोशंस एंड एवरीथिंग. आई फील they were lacking in other characters. Manoj Bajpayee, I'm pretty sure he has played every role. मतलब जब वो छत पे उनकी मम्मी के साथ बैठ के भी बात कर रहे थे कि यार ये चीज आपने मुझे सिखाई थी, which actually turned down कि फिर वो उनके बच्चे को मार रहे हैं जब. When a father is showing affection towards the child out of care and concern, ke bhai tu kahan chala gaya tha. So I personally feel the whole story has been put forward in a good way. Emotions were lacking in other characters, but the actual character jiske bare mein film, that is PC Solanki, and it's not me who is saying this, the makers have said this, that this is not about Bapu, this is about PC Solanki, because this film also ended up in a legal trouble. Bapu ke side se bahut sare logon ne bola ki this is something which you are doing to tarnish his image and everything, so the makers automatically told them that this is not about Bapu, this is about PC Solanki, who is actually a very good lawyer now. Tab jab ye baat hui thi, tab he was not really a very well known lawyer, but of course because of this high end case he is very well known at the moment. And I personally feel emotions could have been added, but Manoj Bajpayee खा गए हैं वैसा बोल सकते हैं इनके बारे में. Technically जैसे सोना ने बोला, the voice over, the patches can be heard, so that is fine. ये creative liberty हम दे सकते हैं उन लोगों को, ऐसा मुझे लग रहा है. I would definitely recommend it. Please watch it. I would give it three X's. I think I would also give it a 3X. I think I would also give it a 3X. यार हर बार मेरे साथ क्यों ऐसा होता है, मैं 0.5 ज्यादा क्यों दे देती हूँ सबको. I want to give 0.5 more. I am very generous. Manoj Bajpayee 0.5 किसके लिए? Manoj Bajpayee के लिए यार, मतलब 0.5. मतलब वो पता है एक एड आता था, एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग, मैं दूंगी एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड फेस, मैं ऐसा दूंगी अब. But I am with a 3.5. Great. On an average, total OTT X-ray सिर्फ एक बंदा काफी है. Streaming on Z5 OTT X-ray पे 3X's हम देते हैं with all the three beautiful ladies, Mansa, Sheetal, Kavya. Thank you so much for joining us, everyone. हम अब आपको अगली बार review में मिलेंगे in OTT X-ray. Have a great day ahead. Goodbye.